जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पिकनिक मनाने के दौरान गाली गलौज की बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट, भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल, 5 गिरफ्तार। बिलासपुर जिले के रतनपुर पिकनिक मनाने के दौरान गाली गलौज की बात को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत और मारपीट हो गई। इसके बाद चाकू के हमले से भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक भी शुरू हो गई है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर थाना क्षेत्र के खंडो बाबा मंदिर के बाजू से कलमिटार जाने वाली रोड में दुल्हारा तालाब स्थित है। यहाँ रतनपुर क्षेत्र के खंडो बाबा के पास स्थित शराब भट्टी से कुछ दूरी पर दुल्हारा तालाब के पास बैठकी करने पहुंचे थे। यहाँ बिलासपुर व सेंद्री के कुछ युवा भी पिकनिक मनाने पहुंचे थे और खाना बना रहे थे। इस दौरान बिलासपुर का एक युवक फोन में बात करते हुए आगे बढ़ गया, जिसे उसके साथी गाली के साथ आवाज़ देकर बुला रहे थे, जिस पर रतनपुर के युवकों को लगा कि उनके साथ दूसरे पक्ष के युवक गाली गलौज कर रहे हैं, जिस पर दोनों पक्ष के युवक आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में गाली गलौज हो गई। इस दौरान बिलासपुर के किसी युवक ने सब्जी और सलाद काटने के लिए साथ लाए गए चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले में रतनपुर निवासी 25 वर्षीय भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उदित आर्मो उर्फ लाला पिता महेंद्र आर्मो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और मौका पाकर बिलासपुर व सेंद्री के युवक फरार हो गए। उदित को उसके अन्य दोस्तों ने रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती करवाया, पर घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पहले सिम्स व फिर अपोलो में रेफर किया गया। घायल उदित के पेट व सीने में चाकू से गंभीर चोट लगी है, जिसका ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया। भाजपा कार्यकर्ता के घायल होने की जानकारी लगने पर कोटा से भाजपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह जूदेव अपोलो अस्पताल पहुंचे और घायल और उसके परिवार से मिलकर यथासंभव मदद की बात कही। कल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा था, पर उस पर जनलेवा हमला हो गया। कांग्रेस के राज्य में गुंडागर्दी व अराजकता चरम पर है। प्रबल प्रताप ने घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की जानकारी लगते ही एसपी संतोष सिंह ने रतनपुर पुलिस टीम को एक्टिव कर दिया। एसपी के निर्देश पर मौके पर उपस्थित लोगों के सीडीआर निकाले जाने लगे। साथ ही रतनपुर थाने में एडिशनल एसपी अर्चना झा ने खुद पहुंचकर कमान संभाली। इसके बाद रतनपुर टीआई देवश राठौर ने मामले को गंभीरता से लिया। वहीं रतनपुर टीआई देवश राठौर ने निर्देश के बाद थाना स्टाफ की टीम आरोपियों की पता तलाश करने निकले, जिसमें आरक्षक दीपक मरावी, आशीष राठौर, नंद कुमार यादव, विजेंद्र सिंह। घटना के 48 घंटे के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी लोकेश कुमार कौसले, दुर्गेश कुमार साहू, राजू यादव, अरविंद कौशिक, पंकज साहू, जबकि एक आरोपी अमित केवर्त उर्फ पंडा अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना के 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने घटना में शामिल 5 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। दिनांक 6/11/23 को रतनपुर निवासी नितेश धारा के द्वारा एक अपराध दर्ज कराया गया था। ये 5/11/2023 की शाम को अपने साथियों के साथ कलमिटार रोड पर जाने वाली सड़क पर अपने दोस्तों के साथ था और वहीं पास में ही बिलासपुर से कुछ लड़के पिकनिक मनाने आए थे, जो हमें गाली दे रहे हैं कि करने की हमें गाली क्यों दे रहे हो करके वाद विवाद करने लग गए। और वाद विवाद करते हुए प्रार्थी का दोस्त उदित आर्मो, जिसने गाली गलौज करने से मना किया था, जिसे हाथ मुख का से मारपीट किए थे और वहीं पास में रखे चाकू से उस पर जानलेवा हमला कर दिए थे। और उक्त रिपोर्ट पर धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी वहां से फरार हो गए थे, जिसे मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उनके सकुना के स्थान सरकंडा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक पंकज साहू, अरविंद कौशिक, राजू यादव, तीनों सरकंडा निवासी हैं, और दो आरोपी दुर्गेश और लोकेश, जो सिंगरी निवासी है, को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कुल कितने आरोपी थे, कितने की गिरफ्तारी? कुल इसमें 6 आरोपी हैं, जिसे 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एक आरोपी पंडा उर्फ अमित केवर्त है, वो अभी फरार है। धारा इसमें धारा 147, 148, 149
और 294, 506, 323 और 307 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता उदित आर्मो पार्टी का काम कर रहा है, उस पर जानलेवा कायरतापूर्ण आक्रमण किया गया। मैं कल ही अपोलो अस्पताल में उसको देख के आया, बहुत ही खराब स्थिति है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, यहाँ गुंडा राज और यहाँ पे जो जो क्राइम लेवल है वो ऐसा बढ़ गया है कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। और हमारे एक युवा कार्यकर्ता पे आक्रमण करना, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा था, इससे साफ पता चलता है कि कैसी षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हमको रोक रही हैं। मैं शासन प्रशासन को यह कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ, हम जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। जो भी ये इस घटिया काम को किया है, अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो एक भीषण आंदोलन होगा जल्द। देखिए, कुछ भी हो सकता है, हम चाहते हैं जो भी ये किया है उस पर कठोर कार्रवाई हो और एक फुल इन्वेस्टिगेशन हो, और इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और आप देख ही रहे, जब से कांग्रेस सरकार आई है, गुंडा राज और सिर्फ ये चाकूबाजी हो रहा है हर जगह।